कितनी बार कहूं आप लोगों से, मैंने उसे बुलाया था और कितनी बार एक ही गलती करते रहोगे लीलाधर। सारा मथुरा हमारे नाम पर थू थू कर रहा लीलाधर, उसके बावजूद तुमने। दुनिया क्या कहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारे भतीजे साहब को। अरे जब कारोबार अलग किया था तब नहीं सोचा, तो अब क्या सोचेंगे। चाचा बार बार मेरे बिजनेस को बीच में क्यों ले आते। मैंने स्टार्टअप के लिए घर से कुछ नहीं लिया था। अब बस करो लीलाधर, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, बंद करो ये सब। पिछले एक साल में बहुत ताने सुन चुके हम, अब लोगों के ताने और नहीं सुन पाएंगे। देखिए मैं आप सबको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, इस बार मैंने उसे बुलाया था मां के लिए, और अगर मेरी मां मुझसे कुछ मांगेगी तो मैं सारी बातों किनारे रख के उसे भी पूरा करूंगा। फिर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। और एक बात, आप लोगों की तसल्ली के लिए एक आखिरी बार और बता रहा हूं, राधा का चैप्टर मेरी लाइफ से हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है। ये चैप्टर यहां नहीं क्लोज हो सकता। कौन है जो मुझे एलडी के खिलाफ ऐसे भड़का रही थी? वो जो भी है, जो एलडी और उसकी फैमिली की खुशी के बीच आ रही है, उसका पता मैं लगा कर रहूंगी। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी? वेरी चाइल्डिश। ये तुम क्या कर रही हो राधा? अब तुम एक पब्लिक फिगर हो, तुम्हारी भी कुछ कमिटमेंट्स है। एनीवेज तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ मुंबई चल रही हो, दैट्स इट, कम ऑन। सॉरी शिवानी जी, मैं आपके साथ मुंबई वापस नहीं आ सकती। व्हाट? व्हाट यू मीन? नहीं, तुम्हारी एक्चुअल लाइफ अब शुरू होने वाली है और तुम हो कि जानती हो शिवानी जी, लेकिन लाइफ का एक पुराना चैप्टर जो यहाँ अधूरा छोड़ गई थी, उसका क्या करूं? उसे तो मुझे पूरा करना होगा ना। मतलब? मतलब ये कि मुझे मेरे पति और उसके परिवार के लिए यहाँ मथुरा में रुकना ही होगा। रखिए क्या समझ में भी आ रहा है क्या बोल रही तुम? शिवानी जी मैं सच कह रही हूँ, मथुरा मेरा ससुराल है, ससुराल है, और मेरी शादी हो चुकी है। एक साल पहले हमारी शादी खेल खेल में हुई थी। कबीर को पता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? कौन? कबीर, कबीर को नहीं पता, कबीर को नहीं पता है कि तुम कौन? कौन?
है मुझे हार्ट अटैक होने वाला है। कबीर को नहीं, अगर मैं मर गई ना तो यही कहीं गंगा में बहा देना मुझे। कबीर को नहीं, अब मैं वापस मुंबई नहीं जाऊंगी। मुंबई जाके क्या कहूंगी कबीर को कि तुम नहीं जा। कबीर को ये तो पता है कि तुम यहां मथुरा में हो, लेकिन उसे ये नहीं पता कि तुम्हारी शादी। मैं और ज्यादा सोचूंगी भी नहीं, नहीं सोचना है मुझे कुछ तुम्हारी शादी। अब कबीर मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे तो नहीं छोड़ेगा, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, देख लेना। शिवानी जी प्लीज काम डाउन, प्लीज। क्या काम डाउन, कैसे काम डाउन? अरे दुनिया में कितनी लड़कियों को ऐसा मौका मिलता है बताओ, और तुम क्या कर रही हो? अपने हाथों से अपना बना बनाया करियर बर्बाद कर रही हो तुम। शिवानी जी मैं जानती हूँ मेरा करियर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स टेकन ऑफ क्वाइट वेल। मुझे इस तरह लॉन्च करने के लिए कई लोगों ने बहुत मेहनत की है, स्पेशली कबीर सर ने, और मैं उनके एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। प्लीज अंडरस्टैंड, इस वक्त मेरे करियर से ज्यादा मेरा एलडी और मेरा परिवार ज्यादा मैटर करता है, बस। ये लाइट अचानक कैसे गई? रिसेप्शन पे कोई फोन नहीं उठा रहा, को भी क्या हुआ अचानक? लाइट तो आ जाएगी, लेकिन अपनी शादी की बात बता के तुमने मेरी बत्ती जो गुल की है उसका क्या? शिवानी जी मुझे यहाँ रुकना होगा ही, और मैं इस बारे में आपसे और बहस नहीं करना चाहती। पहले नीचे जाकर देखते हैं कि लाइट को हुआ क्या है। क्या करूं इस लड़की का? राजू मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना है, लेकिन प्लीज रूपा को खिला देना, ठीक है? खाना तो खा लेती। सुधाकर मुझे मथुरा जाना है। उसकी नौबत नहीं आएगी सुहासनी, शिवानी पहुंच रही है मथुरा, वो राधा को अपने साथ लेकर आएगी। सुधाकर हूँ शिवानी, अरे राधा को वहां कुछ हो गया तो, वो किसी मुसीबत में फंस गई तो? कुछ नहीं होगा उससे, मैं जानता हूँ उसको। उसका मथुरा जाना एक इम्पल्सिव फैसला था, दिल्ली जाके इमोशनल हो गई होगी। शी इज वेरी इमोशनल गर्ल सुहासनी, लेकिन वो जानती है कि उसे मुंबई आना पड़ेगा, यहाँ बहुत कुछ दांव पर है, और मैंने बात कर ली है रेणुका जी से, बहुत जल्द वो हमें सोल्यूशन देगी। दिस विल एंड फॉरएवर। मुझे ये सब कुछ नहीं पता, I don't know why, I'm very scared. मुझे बस ऐसा लग रहा है राधा मथुरा में सेफ नहीं है। चलिए बाहर निकलते फटाफट।
ध्यान रखना, होटल के आसपास सिक्योरिटी एकदम टाइट होनी चाहिए। बाय। आई लव यू मिस लीला। उसके ख्याल से भी मुझे दूर रहना है। भाभी आप अभी तक सोए नहीं? आप भी तो नहीं सोए अभी तक। दादा के बारे में सोच रहे थे ना? नहीं, इसने आज तक मेरे परिवार और मुझे सिर्फ दुख और धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया है। उसे क्यों याद करूं मैं? हमारा रिश्ता कब का खत्म हो चुका है भाभी। अब तो उसकी वापसी के सारे रास्ते भी बंद कर चुका हूं मैं। भाभी आपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करी? जिससे कभी इतना प्यार किया हो उससे हमेशा के लिए मुंह मोड़ लेना क्या मुमकिन है? उस प्यार के भरोसे कब तक आप ये सब झेलती रहेंगी? चली जाइए यहां से, दोबारा एक जिंदगी शुरू कीजिए। क्या इस घर से चले जाना ही इस मुश्किल का हल है? कुछ ऐसे समझ लीजिए और उसके परिवार से अलग करने के लिए इतना डेस्परेट है। अरे वो सब छोड़ो, पहले चलो यहाँ से। घरवालों की बातें सुनकर भाई जी तो बिल्कुल आपके खिलाफ हो गए थे। उनके दिल में बहुत नफरत आ गई, इतनी नफरत कि जितना प्यार था उससे कहीं ज्यादा नफरत। चलते हैं शिवानी जी, पर उसके पहले मुझे लॉयर का नंबर दीजिए। क्यों दीजिए, फिर बताती हूँ। बस इस वक्त राधा का करियर मैटर करता है और कुछ नहीं, और ये टाइम बहुत क्रूशियल है, इसलिए मैं कल मुंबई पहुंचते ही सारी चीजें खुद ओवरसी करूंगा। जी 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 हाँ, ओके बाय बाय। माय गॉड, राधा को किसी भी कीमत पर कल सुबह तक मुंबई पहुंचना ही होगा। ऑफ कोर्स उसे पहुंचना होगा सुहासिनी, उसके करियर उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। इसलिए तो मैं घबरा रही हूँ, कहीं ये लड़की कुछ ऐसा ना कर बैठे जिससे उसकी बाकी की जिंदगी दांव पर लग जाए। कान्हा जी, जिस घर में सुबह उठकर सबसे पहले आपका नाम लिया जाता था, आज उसी घर में आरती भी इस डिब्बे से बजाई जाती है। पर भैया के लिए हमें ये ढोंग करते रहना पड़ेगा, ताकि साधना बहू की आवाज़ में आरती सुनकर उन्हें ये तसल्ली मिले कि सब कुछ पहले जैसे ही हो रहा है। चतुरी, ए चतुरी, ये भोग का हलवा हर कमरे में देख रहा हूं, जा संभाल के। हाँ, चेक करके बताओ जरा राधा मैम कहाँ है, या मैं होल्ड करता हूँ। सर वो तो निकल गई। निकल गई, गुड।
जैसे वो एयरपोर्ट पहुंचे मुझे इन्फॉर्म कर देना। सर उन्होंने अपना फ्लाइट कैंसिल कर दिया और वो होटल से भी चेकआउट करके चली गई। क्या कहाँ गई है वो? बहस कर करके मेरा गला बैठ गया, बट थैंक गॉड उस डॉक्टर ने आपको डिस्चार्ज दे ही दिया। राधा बेटा, हमारा इस तरह से हॉस्पिटल से निकलना और फिर लीलाधर से भी हमारी बात नहीं हो पाई। साधना आंटी डोंट वरी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। अब बस मुझे एक ही बात की टेंशन हो रही है और वो है आपकी हेल्थ। अब बस आप स्ट्रेस को चूल्हे में डाल दीजिए और फिर से पहले जैसे फिट एंड फाइन हो जाइए। अब मैं आ गई हूँ ना, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी, फिर देखते हैं कि बीमारी कैसे आपको चिपक के बैठती है। नाउ स्माइल। ड्राइवर जी, हम कितने देर में वहां पहुंचेंगे? बस कुछ ही देर में मैम। आराम से बैठिए। बुआ जी, बुआ जी, मेरे कमरे की मेज पर इतनी सारी धूल जमी हुई है, जब से साधना बीमार हुई है हमारे कमरे की कोई सफाई नहीं करता। हाय रे ये चतुरी, एक महीना हुआ उसे काम पर आए लेकिन एक काम ठीक से नहीं करती। अब रुको गोविंद, चमेली जाओ गोविंद के कमरे की ठीक से साफ सफाई करो। Are you out of your mind? कोई आया मेरी माँ को डिस्चार्ज करा के ले गया और आपने मुझे चेक करना जरूरी नहीं समझा? अरे पूरी पेमेंट कर दी तो इसका क्या मतलब? उस इंसान की डिटेल्स निकाल के रखी, मैं अभी इसी वक्त हॉस्पिटल आ रहा हूँ। लीलाधर क्या हुआ? साधना कहाँ है? लीलाधर क्या हुआ? साधना कहाँ है? घबराइए मत, हम यहाँ हैं। माँ, आप इस तरह अकेले? अरे कम से कम मुझे बोल दिया होता, मैं आपको डिस्चार्ज करवा के हॉस्पिटल से ले आता। थैंक यू लॉर्ड कृष्णा, भाभी घर आ गई। बताइए, 6 महीने में पहली बार आपको इसे देख रहे हैं, लेकिन ये मैजिक हुआ कैसे? ऐसा करेंगी। But do you even realize कि माँ कितनी बीमार है, उन्हें मेडिकल हेल्प चाहिए और आप उन्हें डिस्चार्ज करवा के ले आए। बेटा, हम घर आना चाहते थे। लेकिन साधना जी, अस्पताल में कम से कम डॉक्टर तो है, यहां अगर कुछ हो गया तो हम कैसे संभाल लेंगे? अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आज से मैं भी इस घर में रहूंगी।